जानलेवा सर्दी में रक्षक बनकर निकला सैफई का लाल, रिक्शा चालकों को बांटे गर्म कपड़े। शीतलहर बहाल कपा देने वाली ठंड का प्रकोप इस तरीके से झेल रहे आम जनमानस को घर से बाहर निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दी की मार को देखते हुए सैफई के रहने वाले मुकेश गुप्ता गींजा वाले रिक्शा चालकों के लिए भगवान बनकर निकले। गरीब रिक्शा चालकों को जनपद इटावा में जेल रोड के पास गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे जनपद इटावा में जेल रोड के पास मुकेश गुप्ता नाम के एक समाज सेवी के द्वारा लगभग 2 दर्जन से अधिक साइकिल रिक्शा चालकों को मोजे, गरम पजामी, शॉल इत्यादि राहत सामग्री वितरित की गई तथा स्वयं को इस भीषण ठंड से बचाने के लिए भी कहा गया। आज आप मोजे दिए गए और एक मोजे और पजामी और टोपा। अच्छा, सर्दी से बचाव के लिए क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था है? अलाव वगैरह जलती है कहीं? अबे तो नहीं साफ करते। हम चाहते हैं कि हम सब लोगों के लिए, हम भी रिक्शा चालक है सर जी, हम बीच में बैठे हैं, ये नहीं कि हम नहीं, हम भी अपनी कहते हैं, हम भी है। हम लोगों के लिए नंबर एक कपड़ा, आग दो नंबर, दो चीजें होगी, तीसरी नंबर जैसे कोई सताए नहीं हम लोगों को, कोई भी आदमी सताए नहीं। नंबर चार, कोई भी आदमी अगर परेशान करता है तो हम लोगों की सुनी जाए, ठीक। अब नंबर पाँच ये है कि हम लोगों को रोटी रोजी का साधन दिया जाए कुछ। अब हम लोग हैं कितने, हम और कुछ नहीं मांगते, हमें सिर्फ रोटी रोजी का साधन दिया जाए। तो यही इच्छा है, जितने सवाल हैं और भी गरीब लोग हैं, अभी नहीं हम कहते और भी लोग जैसे हैं शहर के, आए इन लोगों की मदद करें। इतनी सर्दी में इनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि बेचारे अपनी सर्दी बचा सकें, और सर्दी की वजह से लोगों की जान भी जाती है। तो यही प्रयास अपना कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब की सेवा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प मदद हो जाए। आपसे कोई कैसे संपर्क कर सकता है? कोई चाहता है तो संपर्क के लिए तो मोबाइल नंबर वगैरह है, सुधीर और यही एक विकल्प है। तो आप कहाँ कहाँ जाके? हम वैसे तो रिक्शा वालों की ज़्यादा सेवा करते हैं, ठीक है, गरीब को है ना, मतलब जो गरीब है उनकी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। और कभी कभी मंदिर भी चले जाते हैं, जैसे मंदिर का मंदिर है वहाँ पर भी जाते हैं, और साईं मंदिर है वहाँ पर भी जाते हैं। इन लोगों को पहले भी कुछ आना आना भी मसला किसी लोगों ने लगाए थे, लेकिन बहुत ज्यादा जब मात्रा बढ़ने लगी, मतलब जो लोग एक ऐसे थे जो अपने खुद पैदा करके खा सकते थे, वो भी इन लोगों के बीच में आ गए। तो अब उनके बीच में आकर उनकी व्यवस्था बहुत खराब हुई। हमने इनसे कहा रिक्शा पर बैठो सब लोग, इससे सबको आज ऐसे सबकी व्यवस्था हो जाए, सब चीज वितरण हो जाए। यही प्रयास है और भविष्य में भी आपके द्वारा कोई अलाव फिलहाल तो भी नहीं, क्योंकि हमारा विचार है कल जल्दी जल्दी आज ही कल उसकी व्यवस्था भी कराएंगे। हाँ, शीतलहर की व्यवस्था है, इसके लिए हम अपनी तरफ से अलाव 2-3-4 जगह तो कम से कम लगवा ही देंगे। जैसे अपना स्टेशन है और अपना बस स्टैंड है, अपना शास्त्री चौराहा है, ऐसी जो मेन पॉइंट है। अब इस टाइम जैसे नमाज वगैरह चल रही, एक आध जगह दो जगह और वहाँ देखने का प्रयास करके, तो ये प्रयास रहेगा कम से कम सर्दी से इनकी जान न जाए किसी की, और ज्यादा से ज्यादा इनकी व्यवस्था।